धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आभूषण भी ग्रहों को अनुकूल बनाने में खासी भूमिका निभा सकते हैं। आभूषण रत्न जड़ित हो तो ग्रह पीड़ा, नजर और दुस्वप्न का नाश होता है। जो महिलाएं केवल सोने के आभूषण पहनती हैं, उनमें गर्म धारा अधिक होती है। वे स्थायी रूप से रोगिणी हो सकती हैं। केवल सोना पहनने से पित्त की अधिकता होती। यदि कोई भी जातक खास धातु का कड़ा धारण करता है तो ग्रह अनुकूल होने लगते हैं। ग्रहों के अनुसार कहां कौन सी धातु का आभूषण रहेगा, यह जानना बेहद जरूरी है। स्वर्ण के आभूषणों की तासीर गर्म और चांदी की शीतल है। सूर्य सोने और तांबे पर, शुक्र वे चंद्रमा चांदी, मंगल तांबे, गुरु सोने और शनि वे राहु लोहे पर आधिपत्य रखते हैं। ज्योतिष में सूर्य हृदय, मुंह, गला व सिर का, चंद्रमा बक्ष पेट, मंगल भुजा और शनि पैरों का प्रतिनिधित्व करता है। आयुर्वेद के अनुसार मनुष्य का सिर ठंडा और पैर गर्म रहने चाहिए, इसलिए सिर पर सोना और पैरों में चांदी के आभूषण ही धारण करने चाहिए। इससे सिर से उत्पन्न ऊर्जा पैरों में और चांदी से उत्पन्न ठंडक सिर में जाएगी। इससे सिर ठंडा व पैर गर्म रहेंगे। सिर में चांदी के वे पैरों में सोने के आभूषण नहीं पहनने चाहिए। इससे स्त्रियां अवसाद, पागलपन या अन्य रोगों की शिकार बन सकती हैं। पैरों में सोने की पायल नहीं पहननी चाहिए। चांदी की पायल पहनने से पीठ, एड़ी वे घुटनों के दर्द, रक्त शुद्धि, मूत्र योग, हिस्टीरिया आदि रोगों से राहत मिलती है। सिर और पांव दोनों में स्वर्णाभूषण पहनने से मस्तिष्क और पैरों में समान गर्म ऊर्जा प्रवाहित होगी, जिससे जातक रोग ग्रस्त हो सकता है। यही नहीं, आभूषणों में अन्य धातु के टांके से भी धारा गड़बड़ा जाती है, लेकिन टांके में अन्य धातु का मेल आवश्यक है, लेकिन इसमें जिस धातु का गहना है उसका मिश्रण अधिक हो तो रोग रहित होंगे। वहीं आपको बता दें, तांबे की धातु पहनने से मिलता है यश सम्मान। ज्योतिष के अनुसार गुरु कान और सोने का प्रतिनिधित्व करता है, अतः सोने की बालियां या झुमके पहनने से स्त्रियों में स्त्री रोग, मासिक धर्म संबंधित अनियमितताएं, कान के रोग, हिस्टीरिया, डिप्रेशन में लाभ भी होता है। जो लोग स्वयं को अन्य लोगों से कमतर महसूस करते हों या फिर उनमें हीन भावना घर कर चुकी हो, ऐसे में उन्हें तर्जनी उंगली में सोने का आभूषण धारण करना चाहिए। ज्योतिष में गुरु को नेतृत्व क्षमता कारक ग्रह माना गया है और इनकी धातु भी सोना है। ऐसी स्थिति में स्वर्ण उन्हें अनुकूल परिणाम देता है। रोग निवारण में धातु की भूमिका, खास धातु के बनाए आभूषण रोग निवारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जिन जातकों के कमर या पेट के रोग हों, वे कमर में सोने, तांबे या चांदी की कनकती धारण करें, लाभ जरूर मिलेगा। धातु ग्रह कलेश को भी नियंत्रण कर सकता है। जो जातक दाम्पत्य कलह के शिकार हों, उन्हें चांदी की चेन या अंगूठी धारण करनी चाहिए। हम आपको बता देते हैं, साथ ही जो व्यक्ति मानसिक अशांति के कारण अवसाद में हो तो वो चांदी, तांबा, स्वर्ण धातु से निर्मित छल्ला पहने तो लाभ मिलेगा। यदि जातक चंद्र पीड़ित है या मानसिक कष्ट, कफ, फेफड़े का रोग, तन से परेशान हो तो नाक में चांदी का छल्ला डालना लाभ देता है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।